हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द ग्लैम वर्ल्ड। तो गाइस, मैं हूँ अपने मायके में और अभी जस्ट मैं फ्रेश अप होके जो है आई हूँ। तो आज के दिन में कुछ भी जो है प्लान्ड नहीं है कि हमने ये करना है वो करना है, कुछ ऐसा नहीं है। तो मैं जस्ट देखते हैं कि आज क्या क्या जो है एक्साइटिंग होने वाला है। तो मैंने जस्ट डिसाइड किया कि मैं जस्ट रिकॉर्ड करूँगी और देखते हैं क्या क्या एक्साइटिंग आपको देखने को मिलता है आज और किस तरह से हमारा डे जो है स्पेंड होता है। तो गाइज, अगर हम बात करें आज दिन की, तो धूप जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो ये देखो, काफ़ी तेज़ धूप है और मौसम जो है काफ़ी। अब मैंने भी कोई स्वेटर जो है नहीं पहनी है, विदाउट स्वेटर्स जो है टाइम चल रहा है। और ये है मार्च, और मार्च में ही लग रहा है इस पर गर्मी कुछ ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि धूप में जो है आप स्वेटर पहन के नहीं बैठ सकते और ऐसे भी धूप में नहीं बैठ सकते क्योंकि धूप जो है काफ़ी तेज़ है। तो गाइज, अभी मैं जो कर रही थी वो था ये काम कि मैं असाइनमेंट्स अपने कंप्लीट कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा बोर भी हो रही हूँ। साथ मुझे मन कर रहा है कि मैं कहीं आउटिंग पे जाऊँ, बट कोई ऐसी कोई जगह नहीं है और फ़िलहाल कोई दोस्त भी जो है फ्री नहीं है जिसके साथ मैं आउटिंग पे जाऊँ। तो मैं जस्ट बोर हो रही हूँ घर पे। मुझे बहुत कुछ करने का मन कर रहा है पर मैं कुछ कर नहीं पा रही, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि देखते हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप भी मेरी तरह बोर होते हो घर पे। एंड आई नो कि मोस्टली लोग जो है मेरे जैसे होते हैं जिनको पढ़ने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है और असाइनमेंट्स मैंने अभी कम्प्लीट कर लिए, बट स्टिल आई एम वेस्टिंग माई टाइम। और आज मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी एक असाइनमेंट तो कंप्लीट करूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड और लेट्स सी कि ये हो पाता है टास्क मेरा आज या नहीं। मैं करने लगी हूँ अब स्टार्ट। गाइज, मेरे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट आया है, मैं आपको दिखाती हूँ, इनफैक्ट मिलवाती हूँ। दिस इज गया ऊपर। गाइज, मेरा मिशन हो चुका है सक्सेसफुल एंड नाउ आई एम फुली एग्जॉस्टेड। असाइनमेंट्स हो चुके हैं कंप्लीट, मतलब मैंने आज का चैलेंज जो है पूरा किया, आज के दिन में ही पूरी कर दी। और अभी हो रहे हैं शाम के 7:30। अब देखो पतलू ऊपर लटक रहा है, ये भी हंस रहा है। गाइज, अभी रात के हो रहे हैं 8:30 और आज के दिन में कुछ भी जो है एक्साइटिंग नहीं हुआ, बस पढ़े पढ़े और लिखते लिखते मेरा दिन जो है निकल गया है। अभी ये सामने पतलू भी मुझे देख के हंस रहा है, ये देखो गाइस कैसे हंस रहे हैं मुझे देख के। गाइस, आज है लेट और हम यहाँ पे खाने के लिए पूछने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है इसलिए आवाज़ मेरी सुनाई नहीं दे रही। वी आर वेटिंग फॉर आवर ऑर्डर। गाइस, ये इंतज़ार हुआ ख़त्म और मेरे ऑर्डर जो है आ गया। तो गाइज, हम वहाँ से होके आ गए थे, बहुत ही एडवेंचर हुआ, हम पहले रास्ता भूल गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। पर अभी हम रात के टाइम पे जा रहे हैं मेरी ताई के घर पे, जा रही है हमारी मम्मी भी साथ में। मम्मी से हाय हाय। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, इट्स अ नेक्स्ट डे। तो हो रही है काफ़ी धूप और मैं बैठी हूँ बाहर और हो रही हूँ एकदम बोर। तो गाइज, आज है day 3 और सेम पोजीशन है मेरी यहाँ पे। मैं सच बात बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा बोर होती हूँ, मतलब विद इन 3 days जो हैं काफ़ी बोरिंग निकले हैं, कुछ करने के लिए नहीं था। लाइक असाइनमेंट्स वगैरह बनाई, उसके बाद जस्ट पूरे घर में जस्ट अकेले बैठ के मैं बोरी हो रही हूँ। तो आप लोग मुझे आइडियाज़ दो कि मैं अपना जो है ये वाला फ्री टाइम जो है क्या करके स्पेंड करूँ, क्या नया करूँ,
बताओ मुझे। तो गाइज इट्स 1 PM आई एम स्टिल हियर लुकिंग जस्ट हियर एंड देयर। एक्चुअली यू नो व्हाट द प्रॉब्लम, अब जो है वेदर ना चेंज हो रहा है, तो मतलब सर्दियों से गर्मियों में शिफ्ट हो रहे हैं, उस वजह से भी मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरह से टाइम स्पेंड किया जाए, क्या कुछ न्यू किया जाए, कुछ मतलब समझ नहीं आ रही मुझे। तो मतलब पहले होता था ना जैसे लाइक कॉलेज था, अब कॉलेज अप एंड डाउन करते थे, कॉलेज का काम करते थे, तो टाइम जो था कंज्यूम हो जाता था, पर अभी कॉलेज जो है मेरा ऑफ हो चुका है, उस वजह से मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा यार कि घर पे कैसे टाइम स्पेंड करूँ यार, मैं क्या ही करूँ यार। गाइस अभी हो रहा है रात का टाइम और हम दोनों जा रहे हैं गोलगप्पे खाने के लिए, एडवेंचर करने के लिए, और बिल्कुल इस टाइम रात पड़ी हुई है। ये देखिए यहाँ पे रोड अभी खाली पड़ी है और कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं गोलगप्पे के स्टॉल में। गाइस हम लोग गोलगप्पे खा के वापस घर को जा रहे हैं। कैसे लगे गोलगप्पे? बहुत। गाइस इट्स अनदर डे, तो मैं हो चुकी हूँ बीमार, मुझे हो चुका है फीवर बिकॉज मौसम भी चेंज हो रहा है। मेरा गला एकदम बिल्कुल बंद है, आवाज़ में चेंज आप लोगों को भी फील हो रहा होगा। गाइस आज कुछ भी नहीं था करने को, बस आई वॉज मेकिंग माई असाइनमेंट्स एंड ऑल, सो निकल गया, ये दिन भी ख़त्म हो गया। गाइस मेरा गला ख़राब होने का रीज़न भी आप लोगों को पता होगा, क्योंकि मेरी व्लॉग में मोमोज, कोल्ड ड्रिंक, गोलगप्पे सब कुछ था, जो कि आप सोच रहे होंगे कि ये रीज़न है मेरा गला ख़राब होने का, शायद हो भी सकता है। मेरे गोलगप्पे खाने बंद कर दिए, फास्ट फूड बंद कर दिया, कोल्ड ड्रिंक बंद कर दी, तो मुझे बहुत मन कर रहा है खाने का, पर कोई मुझे खाने नहीं दे रहा। तो गाइज आई एम मेकिंग माई असाइनमेंट्स, क्योंकि मेरे गले में जो दर्द है मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, तो अपना टाइम पास करने के लिए मैं अभी ये काम कर रही हूँ, जिससे मेरा ध्यान जो है मेरे गले की तरफ ना जाए। लेकिन मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मेरी मामा और मेरे भाई दोनों गए नानी के घर पे, तो मैंने उनको कॉल करके बोला है कि प्लीज़ 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 मेरे लिए गोलगप्पे लेके आओ, मुझे खट्टा भी ना गोलगप्पे वाला। तो लेट्स सी कि वो मेरी विश पूरी करेंगे या नहीं, वैसे 90% है कि पूरी करेंगे, अगर मैंने कुछ मंगवाया है तो वो पक्का लाएंगे, लेकिन अब देखते हैं कि वो ये ना सोचें कि ये बीमार है लेके जाए। सो लेट्स वेट एंड वॉच। गोलगप्पे आए और मैंने खा भी लिया, पर मेरे को वीडियो बनाने की याद ही भूल गई। तो गाइज आफ्टर ईटिंग गोलगप्पे मैं फिर से अपनी रूटीन में असाइनमेंट्स बनाने के लिए आ गई हूँ और ये छोटू सा व्लॉग मैं अपना कर रही हूँ वाइंड अप। तो आपने देखा ही होगा कि कितनी बोरिंग सा टाइम जो है निकला है, और वो लोग तो ज़रूर कमेंट करना जो सेम जिनका मेरी वाली ही हालत हो रही है, और ये भी कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट व्लॉग जो है मेरा किस पे हो। तो इसी तरह से करते रहिए मेरे चैनल को देर सारे सब्सक्राइब्स, वीडियोस को लाइक शेयर। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।